नमस्कार। कहते हैं शरीर से है प्रेम तो आसन करें, सांस से है प्रेम तो प्राणायाम करें, आत्मा से है प्रेम तो ध्यान करें और परमात्मा से है प्रेम तो समर्पण करें। योग ही जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुरिता सक्सेना। आज का हमारा ये कार्यक्रम विशेष करके बच्चों के लिए है, क्योंकि कोविड महामारी में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे एकदम घर पर होकर रह गए हैं, उनके व्यायाम के पूरे तरीके जो हैं वो एकदम डिफरेंट हो गए हैं। स्कूल में जो गतिविधियां होती थी वो ख़त्म हो गई हैं, अपने घरों में चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े उसी में बिल्कुल वो बंद होके रह गए हैं। किस तरह से हम बच्चों को योग सिखा सकते हैं, कौन से ऐसे आसन हैं जो बच्चे कर सकते हैं और क्या वो ऐसे आसन हैं जिससे उनके मन में स्फूर्ति जागृत हो सकती है और वे प्रसन्न और आनंदित हो सकते हैं, तो इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं रक्षा ठाकुर जी, जो कि जिला प्रभारी हैं महिला पतंजलि योग समिति की, और उनके साथ हैं कुमारी उर्वशी जो हमको ये योग करके दिखाएंगी। तो हम स्वागत करते हैं रक्षा जी का। रक्षा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो है योग ही जीवन और बच्चों के लिए विशेष योग। तो हम जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उसमें मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक अक्सर सवाल ये आता है कि किस उम्र के बच्चे जो हैं वो योग आसन कर सकते हैं और क्या वो समय है जब से बच्चों को योग आसन सिखाए जाने चाहिए। जी, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत धन्यवाद करती हूं। थैंक यू सो मच जी। और तो सबसे पहले तो जो आज का ये कोरोना का जो समय है इसमें आपने जैसे बताया कि एक्टिविटियाँ सब कुछ बंद हो चुकी है, बच्चे घरों में कैद हैं, तो उसके लिए कुछ खेल के तौर पे हम बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं उनको योग की, अगर हम योग का नाम भी लेंगे तो वो नहीं करेंगे, इसलिए उनको खेल खेल में योग को करवाया जा सकता है। और जो प्राणायाम का हमारा सेशन, एक प्राणायाम भी करवाया जाता है, तो वो बच्चों को 12 साल के बाद या फिर 3 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको हम करवा सकते हैं आसन वगैरह। तो उसमें जैसे हम लेते हैं ताड़ासन हो गया। जैसे अगर मैं उम्र की बात करूं, हाँ तो जी, हाँ जी। जो मैं समझ रही हूं वो ये कि हम 3 वर्ष की उम्र से बच्चों जी, को जी। कुछ हल्के यौगिक आसन हाँ शुरू जी, करा हाँ सकते हैं और 12 साल तक के बच्चों को हम वो यौगिक आसन करा जी, सकते जी। हैं उनकी जनरल वेलबींग के लिए। हाँ जी, हाँ और 12 साल से बड़े जो बच्चे हैं हाँ जी, वो हर तरह के आसन कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग पहले 3 से 12 साल के बच्चे की बात करते हैं जी। और हम दिखाएंगे भी कि 3 से 12 साल के बच्चे कौन से आसन जी, कर जी, सकते जी। हैं। हाँ जी, तो उसके बारे में बताएं। तो 3 से जो 12 साल के बच्चे हैं उसमें पहले तो हल्का सा हम योगिंग जॉगिंग का अभ्यास भी कर सकते हैं बच्चों को, ताकि क्योंकि एक्टिविटी पूरी तरह से बंद है, हमारा जो शरीर है, बच्चों की भी जकड़न होने लगती है शुरू में। वैसे तो जो छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के, उनको हम घरों में थोड़ा बहुत जैसे मालिश वगैरह भी कर दी तो उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा आसन, आसनों में हम पहला जो आसन लेते हैं बच्चों को, हम वैसे ही बोल देंगे कि बेटा खड़े हो जाओ, जरा आप कितने लंबे हो गए हो, तो उनको हम ताड़ा, छोटा बच्चा है तो उसे समझाना मुश्किल होगा। नहीं, आपने बिल्कुल हाँ सही कहा, बच्चे जो है वो इस बात से बड़े खुश रहते हैं कि मैं कितना लंबा हूँ, हाँ मैं कितनी लंबी। तो वो लंबा तभी, अगर हम उन्हें बोले कि देखो बेटा आप लंबे हो गए हो, तो थोड़ा सा आप पास में, अगर एक छोटा सा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा आप साथ में रख लीजिए, तो छोटा जो बच्चा है उसको हम जब बोलेंगे कि बेटा आप अपने आप को ताड़िए, तो वो इतना मतलब बाजुए जो है ना, बड़ा जो बच्चा है उसके लेवल में आएगी, तो वो खुद बोलेगा कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया। तो उस तरह से हम उसको सिखा सकते हैं। तो ताड़ आसन पहला आसन हाँ है, तो क्या हम इसको दिखा सकते जी, हैं बिल्कुल किस तरह दिखा से सकते करें हाँ। हमारी जो उर्वशी बिटिया जो है साथ हाँ में, हाँ जी, वो दिखाएंगे कि ताड़ आसन जी, किस तरह। ताड़ आसन को जैसे, और एक ये भी ध्यान रखना है, जब भी हमने बच्चों को करवाना है, चाहे किसी को भी करवाना, तो उसके लिए मैट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाँ जी। आपके पास मैट नहीं है तो आप दरी है, चादर है, कुछ भी ले सकते हो, मतलब खाली हमने नहीं करना है जमीन पे योग जी, नहीं करना है, हाँ जी। योग एक साधना जी है। साधना भी है और जितनी भी पॉजिटिविटी भी है और ऊर्जा है वो हमारे शरीर में ही ग्रहण हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की भी शक्ति है, अगर हम कुछ करेंगे तो वो जमीन में भी चली जाती है इस तरह से। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मैट का इस्तेमाल इसलिए करना जरूरी है ताकि योग करते वक्त जो हाँ भी ऊर्जा जगे वो आपके हाँ शरीर जी में जी ही रह जी जाए। हाँ जी। तो हम सबसे पहले ताड़ासन को सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और फिर उसके बाद धीरे से सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है
और ऊपर इंटरलॉक कीजिए। इंटरलॉक किया थोड़ी देर के लिए और पंजे के बल आ जाएं, सांस को आप रोक सकते हो, छोटा बच्चा है तो वो रोकेगा भी नहीं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस को लिया, दोनों हथेलियों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर ताड़ना है पूरी तरह, नज़र सामने और फाइनल पोजीशन ले, थोड़ी देर पे यहाँ पे टिक जाए। स्थिरता के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। तो ये हमारा ताड़ासन है और बच्चों के साथ उनके पापा मम्मी और दादा दादी सब लोग ये आसन कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए एक मनोरंजक एक्टिविटी भी होगी। हाँ जी। सब लोग मिलके ताड़ासन बच्चे करेंगे ही तब जब हम खुद करेंगे, क्योंकि आज की वैसे कोरोना का है चाहे नहीं भी है, फिर भी हम आसन जरूर करें घरों में, बुजुर्ग है, क्योंकि जो ये ताड़ासन है ये बहुत ही फायदेमंद है, जो हमारा फेफड़ों के लिए भी अच्छा है, इससे हमारे जो फेफड़े हैं वो भी मजबूत बनेंगे, साथ ही साथ जितनी भी हमारी मसल्स है वो भी एक्टिवेट होती है, इससे थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है और साथ ही साथ थोड़ा सा जो बच्चे जिनका कद वगैरह नहीं बढ़ता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, और कब्ज जिनको रहती है तो कब्ज के लिए भी अच्छा है ये, अच्छे से स्थूल पास होता है। बिल्कुल, तो ये तो हो गया ताड़ासन जी। इसके अलावा फिर आप बच्चों के लिए इसके अलावा हम दूसरा है, जैसे थोड़ा सा हमारी जो पैर है टांगे है हमारी हल्की मजबूत हो तो उसके लिए हम वृक्षासन भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, वृक्षासन के लिए भी बस मैट पे खड़े होके अपने दाएं पैर को उठाया और वृक्षासन भी हम दिखा रहे हैं जी, आपको अभी अपने दाएं पैर पे। को जी, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से अपनी जगह पे टिकाया, दोनों हाथों को सांस भरते हुए, सांस को हमेशा ये ध्यान देना कि सांस को जब ऊपर की ओर उठाओ तो उसमें हमारा जो फेफड़ा है वो फूलता है ताकि उसमें ऑक्सीजन अच्छे से जाए और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए वृक्षासन, धीरे धीरे सांस ले छोड़ते हुए वापस, और जब हमने एक साइड से करना है तो दूसरी साइड से भी उसको अवश्य करना है। तो इसी तरह से अपोजिट साइड से भी कीजिए, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए। तो ये हमारा यानी कि शरीर को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम सांस भरें और जब हम शरीर को छोड़ रहे हैं हाँ तो हम सांस जी क्योंकि गुब्बारा है वो जब फूलेगा वो तभी जब हम उसमें कुछ डालेंगे। हाँ जी, तो फेफड़ा भी वैसा ही, जब हम खींच रहे हैं कोई चीज़ तो उस समय हमारे जो फेफड़े हैं लंग्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस समय ही हम उसमें कुछ डाल सकते हैं, तो इसका डबल फायदा हो रहा है, एक तो फेफड़ा फूल रहा है और ऊपर से हम उसमें ऑक्सीजन भी डाल रहे हैं जी। तो ये भी बताएं रक्षा जी कि ये वृक्षासन और ताड़ासन कितनी देर करना चाहिए और क्या कितनी दफ़ा होता है, या ताड़ासन एक ही दफ़ा करना चाहिए? इसको हम 3 से 5 बार जी कर सकते हैं जी, और बाकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े बच्चे हैं अधिक भी कर सकते हैं, उससे भी उनको अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन कम से कम 3 बार करना अवश्य, क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मिनिमम करने में कितना फायदा होगा, तो मिनिमम जो है वो 3 से 5। हाँ जी, इसके अलावा आप कोई छोटे बच्चों के लिए और बता रहे हैं? जी, छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनको हम क्या करेंगे कि जैसे योगिक जॉगिंग का अभ्यास है, थोड़ा सा वार्म अप के लिए भी हो गया और सारे इसमें अंग हमारे जो है एक्टिवेट हो गए, तो थोड़ा सा हम योगिंग जॉगिंग का भी अभ्यास करेंगे। इसमें भी गहरे लंबे सांस लेना है, सांस बच्चे हैं छोटे तो उनको सांस कि लगातार आप सांस लीजिए और पूरे पैरों को आप उठा सकते हो पूरा इस तरह से, जब तक भी हम करना चाहे, इस बच्चा जब तक थकता नहीं है आप तब तक भी करवा सकते, मतलब मम्मी और बेटे के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि कौन कितनी देर तक ये जॉगिंग कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बस उसको बहुत ही इसी तरह से, दादा दादी के साथ भी हो सकता है। हाँ जी, तो जी जी, दादा दादी के साथ बच्चा ज्यादा करेगा क्योंकि उनकी थोड़ी सी स्पीड वो कम होगी तो बच्चा वहाँ पे जीतेगा, तो फिर बच्चे को लगेगा कि देखो मैं जीत गया। तो थैंक यू सो मच, एंड हम ऋषि जी का भी थैंक यू करना चाहेंगे। रक्षा जी मुझे ये बताएं कि 3 से 12 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राणायाम या कुछ सांस वाली एक्सरसाइजेज आप नहीं कह रही हैं, तो योगिक आसन ही करने? हाँ जी, नहीं कर सकते हम उनके लिए भी, पर उनको ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं कर, हाँ जी करवा सकते हैं, करवा सकते। तो अब हम आते हैं 12 साल से बड़े बच्चों जी, जी, के लिए, तो उनके लिए जैसे 12 साल में सबसे पहले जब हम योग की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले प्राणायाम, और हम जब कोविड की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले प्राणायाम की बात करेंगे कि प्राणायाम में कोविड के लिए जनरल हर किसी को 12 साल से बड़े से लेके जिस वक्त जिस उम्र तक भी है उनको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज के समय में जरूरत भी है
और वैसे भी जो प्राणायाम है वो प्राण वायु जो शक्ति है, ऊर्जा है, इससे ही हमारा सब कुछ चलता है। हम भोजन के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन जो प्राणों का ये आयाम है, यदि ये रुक जाए तो फिर जीवन संभव है, जीना संभव है। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम आता है वो आता है भस्त्रिका प्राणायाम जी। भस्त्रिका प्राणायाम नाम से ही स्पष्ट है, भस्त्रिका का अर्थ होता है जैसे लोहार की एक धौकनी होती है, पहले जब लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो ताकि क्या हो, वो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो, वही कार्य करती है भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में। जैसे हमने सांस को लेना है, सांस को किस तरह से लेना है, एकाग्रता के साथ, किसी भी मैट पे आप बैठ सकते हो, बैठने की प्रॉब्लम है अधिक एज के जो उम्र में जो होते हैं उनको, अगर वो नहीं भी बैठ पाए तो कुर्सी पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान की स्थिति है ताकि हमारा ध्यान लग जाए, करना क्या है, आँखें पूरी तरह से बंद करें और गहरे लंबे सांस लेना है, धीरे धीरे फिर छोड़ना है। लंबा सांस लिया, इसमें क्या हो रहा है, आप 5-7 गहरे लंबे सांस भी लोगे तो उससे हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो पूरा शांत होने लगता है। साथ ही साथ क्या है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ने लगता है, शरीर के हर कण में ऑक्सीजन पहुंचने लगता जी, है जी जी, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छे होता है। और कहते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन जितना बेहतर होता है, हमारे शरीर से टॉक्सिंस या जो बुरे पदार्थ हैं वो बाहर निकलते जी जी, रिमूव होते हैं जी। तो ये तो हुआ भस्त्रिका। उसके बाद पहले देखो हमने ऊर्जा का अर्जन किया, फिर आती है थोड़ा सा कि भाई हमने स्वस्थ भी तो रहना है, इसके लिए हम कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में हमने क्या करना है, सांस को लगातार बाहर छोड़ना है, क्योंकि जो हमारे फेफड़े हैं दिन भर वो कार्य करते हैं, बोले प्लीज, दिन भर वो कार्य करते हैं, तो इसके लिए झटके के साथ पेट को अंदर की ओर बाहर, पेट सॉरी, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं कि झटके के साथ पेट को झटका देना है, अंदर की ओर खींचना है, सांस को लगातार बाहर छोड़ें। तो चलिए जैसे सांस को आप बोले प्लीज, हाँ जी, आप अपने दिखाते रहे जैसे भी, हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, आंखें पूरी बंद रखनी है और साथ ही साथ ये है पेट में झटका देना है, और छोटे जो इस तरह से पेट में झटका अंदर की ओर देना है और सांस को पूरा बाहर छोड़ना है लगा। तो कपालभाति जो है वो पेट को झटके के साथ, हाँ जी, जो झटके है, वो करना साथ, है। और भस्त्रिका और कपालभाति कितनी कितनी देर करना चाहिए? भस्त्रिका जो है वो हम कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट कर सकते हैं, और कपालभाति भी, कपालभाति हम 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर 5 मिनट भी करवाया जाए तो भी ठीक है, हाँ जी। और इसके बाद, इसके बाद आता है हमारा जैसे, हाँ जी, उज्जयी मतलब गले के लिए जो है, जैसे आज के समय में कोरोना का भी है, थोड़ा थायराइड वगैरह का भी रहता है, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम जी। उज्जयी प्राणायाम को क्या करना है, हम इसी तरह से किसी भी मतलब मुद्रा भी हम लगा सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। करना क्या होता है उसमें, गले को टाइट करना है, जैसे हिचकी आती है तो उसके लिए पहले गले को अच्छे से टाइट करके फिर आपने आवाज़ को निकालना है। इसको हम कुंभक यानी कि सांस को होल्ड करके भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, लंबा गहरा सांस लिया, बाहर छोड़ा, फिर आपने गले को सिकोड़ते हुए थोड़ी देर आप सांस को होल्ड भी कर सकते हो। कुंभक लगाना है, ठोड़ी को कंठ कूप से लगाए, यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर, और फिर उसके बाद जब सांस को बाहर छोड़ना है तो दाई नासिका को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ें। तो इस तरह से इसे किया जाता है। सो मतलब गले से सांस लेनी है, हाँ, और कोशिश ये करनी है कि आपके जो सांस आ रही है वो पूरा गले से आए, और गले की जो कोशिकाएं हैं, हाँ जी, वो एकदम टाइट टाइट हो जाए, हाँ, ताकि उससे आपके थायराइड की जी, जो वाइब्रेशन होती है, हाँ, उससे थायराइड की भी एक्सरसाइज होगी, और गले से होके जो सांस है वो पूरा आपके उस नली को साफ करेगी। तो हमने कर लिया भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, और अब इसके बाद, इसके बाद हम अनुलोम विलोम जी। आई थिंक काफी लोगों को ये पहले से पता है, तो हम फटाफट इसको सीखते हैं। तो अनुलोम विलोम का भी यही है कि इसमें क्या करना है,
इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले जैसे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें ये भी सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उन्होंने या तो चंद्रभेदी यानी कि बाएं से ही सांस को लेना है, अच्छा दाएं से सांस को छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट स्वर है वो ठंडा होता है, उस मतलब ठंडक बनी रहे तो उसके लिए। तो मतलब बीपी वाले जो हैं वो लेफ्ट से शुरू करें और राइट से ही निकालें, राइट से लेके लेफ्ट पे ना आए हमेशा जी, मतलब हमेशा। बाकी वैसे अगर नॉर्मल जो लोग हैं वो कर सकते हैं, हमने क्या करना है बाएं से सांस को लेना है, फिर दाएं से बाहर छोड़ा, फिर से दाएं से ही लेना है जी, और फिर बाएं से इस तरह से अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, जिससे ताकि आपके बिल्कुल सांस जो है दोनों साइड अंग प्रत्यंग में दोनों नाकों से होते हुए पहुंच जाए। और लास्ट में बचता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। हाँ जी, भ्रामरी भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, कोरोना का जो समय है इसमें इसको हम जितना अधिक कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों को भी इसको करवा सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कोरोना किसी को भी घेर सकता है तो, और बच्चों के लिए तो जरा अच्छा है ना, हाँ जल्दी जल्दी जी करने के लिए। तो, हाँ जी, तो इससे अच्छा एक तो नाइट्रिक जो ऑक्साइड तत्व है वो भी बनता है, ताकि जो हमारा वायरस है वो गले में ही खत्म हो जाए यदि किसी को हुआ है जी। तो उसके लिए हमने रक्षा जी, हाँ जी थोड़ा सा समय जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास योग जब आता है तो बातचीत करने को बहुत होता जी है जी। तो अब हमारे पास कम समय बचा है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे आसन करके दिखाएं जो बच्चे आनंदित होकर जी जी। उर्वशी हमें करके दिखाएंगी, हाँ जो आनंदित होकर बच्चे जो हैं वो कर सके। तो पहले हम बच्चों के आनंदित होने वाले हाँ कर लेते हाँ हैं, और उसके बाद कुछ दो चार आसन और बिल्कुल जी। तो जैसे बच्चों के लिए हम लेते हैं, उसमें पहला जो आसन होता है, आसन क्या क्रिया इसे हम बोल सकते हैं, साइकिलिंग जी। साइकिलिंग के लिए क्या है कि हमने पीठ के बल लेटना है जी। हाँ जी, पीठ के बल लेट जाए और फिर लगातार आपने टांगों से और बाजुएं भी इसमें हम हिला सकते हैं, छोटे जो बच्चे हैं हाँ जी, तो इस तरह से लगातार करते जाए और गहरे लंबे सांस। बड़े जो बच्चे हैं उनको समझाना भी आसान है, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं वो यदि टांगों को भी हिलाए तो देखिए कितना मूवमेंट, बड़े बच्चे भी कर सकते हैं बूढ़े और हम इसमें भी रेस लगा सकते जी, इसमें रेस जल्दी जल्दी आप कितनी जल्दी जल्दी आपकी साइकिल उल्टी साइकिल कितनी जल्दी जल्दी। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का एक एक्सरसाइज भी होगी, साथ ही साथ एक कंपटीशन के तौर पे हम कंपटीशन के तौर पे रेस सकते हैं घर में सबके साथ जी जी जी। इसके अलावा और इसके अलावा दूसरा हमारा जो आसन है वो आता है सेतुबंध आसन। अच्छा, सेतुबंध एक पुल की आकृति बनती है, ये भी कोरोना के समय में बहुत फायदेमंद है जी। कि जैसे हमने क्या करना है, दोनों टांगों को फोल्ड करें और दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें जी, और बीच से पूरा भाग को ऊपर उठाया जाता है, शरीर को उठा लें जी जी जी। तो ये थायराइड के लिए भी अच्छा है और वैसे भी बहुत फायदेमंद है ये आसन, हमारे फेफड़ों के फेफड़ों के लिए भी अच्छा है जी जी। सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन पुल की आकृति बनती है, धीरे धीरे वापिस। तो इसी तरह से हम दूसरा जो आसन है वो हम हल आसन कर सकते हैं जी। हल आसन भी बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, क्रिया के अनुसार भी हम इसे कर सकते हैं, दोनों टांगों को ऊपर उठाया फिर नीचे, ऊपर उठाया फिर नीचे लगातार, और पूर्ण हल आसन वो भी हम कर सकते हैं, दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर उठाए और पूरा पीछे की ओर लेके जाए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, इससे पेट नहीं निकलता जी जी, पेट भी नहीं निकलता और फेफड़ों के लिए, और साथ ही साथ मन का जो कई बार तनाव वगैरह हमें रहता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। हाँ जी हाँ जी, और पीठ इससे लचीली बनती है धीरे धीरे। इसमें हम सर्वांग आसन भी कर सकते हैं, दोनों बाजुओं से पीठ को सपोर्ट करना है थोड़ा सा इस तरह से, फिर धीरे धीरे सावधानी, इसमें सावधानियां भी रखनी है कि भाई थोड़ा सा अगर ना कर पाए कोई तो ज़बरदस्ती ना करें, शरीर कोशिश का नाम है ज़बरदस्ती का नहीं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस आए। तो रक्षा जी मुझे ये बताएं कि जब बच्चे जैसे शुरू करें आजकल कोरोना काल में, तो उनके माँ बाप पेरेंट्स जो हैं या बाबा दादी अगर कोई भी हाँ हैं तो किस तरह से उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, साथ में तो करें ही हाँ, लेकिन क्या ये आसन करते वक्त अगर वो उनको अपने हाथ का सहारा देते हैं या कुछ देते हैं तो उसमें तो मतलब ठीक ही है, बहुत अच्छा है। जैसे छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, अब हमने उसको करवाना है वृक्षासन जी, उसे शौक भी, अब वो डगमगाएगा तो थोड़ा सा हम सपोर्ट कर सकते हैं उसका, कि थोड़ी सी बाजू वगैरह पकड़ के या फिर दीवार के सहारे, दीवार के सहारे जी जी, दीवार के सहारे बच्चों को जब भी करवाएं हाँ तो हमेशा सुपरविजन में करवाएं और कोशिश करें कि साथ में करें। ये तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों के चक्कर में बड़े लोग भी जो हैं वो योग के ये सारे एक्सरसाइजेस जो हैं, योग प्राणायाम जो आसन है ये कर पाएंगे। एक आप उष्ट्रासन की बात करें, मैं उष्ट्रासन हाँ, उष्ट्रासन बैठ के किए जाने वाला आसन है, ये भी बहुत ही फायदेमंद है जी। तो उसके लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में
वज्रासन भी एक ऐसा आसन है कि मतलब इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रांग बनता है। खाना खाने के बाद इसको हम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं इस आसन को। और उसके बाद उष्ट्रासन में घुटनों के बल आना है। अच्छा, घुटनों के बल, फिर धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेके जाए, सांस को होल्ड करें और पूरी तरह से यहाँ पे स्टे करें। उर्वशी बिटिया कर रही हूँ तो बहुत आसान लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान होता नहीं होगा करना, धीरे धीरे कर सकते हैं नहीं। फिर इसके लिए एक ये भी है कि जो अधिक एज के है उनके लिए बिना वेरिएशन के कर सकते हैं कि क्या करना है, दोनों हाथों को हम आगे पकड़ लें इस तरह से। जी, दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ के हम पूरा गर्दन को पीछे पूरा गर्दन जा सकते हैं। हाँ जी, ये बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए जो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते। हाँ जी, और दूसरा क्या है, दूसरा इसका तरीका है कि दोनों हाथों को हम कमर पे, यहाँ पे भी टिका सकते हैं, कमर पे टिका के फिर पीछे, फिर बीच, और फिर धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा, फिर हम कर सकते हैं। मतलब ये शुरुआती दौर है। हाँ जी, एक आप कह रही थी भुजंगासन। जी, भुजंगासन, एक बटरफ्लाई आसन। जी जी, बटरफ्लाई तो सबसे पहले भुजंग पहले करते हैं। चलिए, भुजंग का पेट के बल लेट जाए, भुजंग आसन बहुत ही अच्छा आसन है। पेट के बल लेट के दोनों हाथ हमारे छाती के पास रहेगी और सांस को भरते हुए, भुजंग का अर्थ है सांप की, जो सांप की तरह जी, तो सांस भरते हुए पूरा ऊपर की ओर उठाएं। इसमें हम पूरा ऊपर भी उठा सकते हैं, कोहनियों को हल्का सा बेंड कर सकते, क्योंकि हम बच्चों को सिखा रहे तो बच्चे पूरा भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कमर भी लचीली बनेगी, साथ ही साथ हमारे फेफड़े पे इसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर हम चाहें तो अपनी मतलब कोहनियों को टिका के भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और अब हम आते हैं बटरफ्लाई, क्योंकि वो सबसे मजेदार जी जी बटरफ्लाई बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सुखासन में बैठ के और दोनों पैरों को आपस में तलुओं को मिलाएं। जी जी जी, और दोनों हाथों से इंटरलॉक करें और फिर हम इसे कर सकते हैं। हंसते हुए भी इसे कर सकते हैं, दादा है दादी है कोई भी घर में है, और इसमें भी कंपटीशन कर बिल्कुल सकते जी। हैं कि इसका ये पार जो है वो जल्दी जल्दी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे टीवी देख रहे हैं। हाँ। बेड के ऊपर बैठे हैं तो कोई भी इसे कर सकता है जी। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ मोटापा जिनको रहता है तो धीरे धीरे हमारे जो हिप जॉइंट वगैरह है वो भी ओपन होते हैं। बहुत ही अच्छा ये आसन है। सो ये तो आज आपने बहुत अच्छे आसन जो हैं वो हमारे बच्चों के लिए बताए हैं रक्षा जी, 3 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए और 12 से लेके वयस्क व्यक्तियों के लिए। तो मैं तहे दिल से दूरदर्शन की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, और साथ में ये भी कहूँगी कि योग करो जी, रोज करो, योग से रोगों को दूर करो। जी, जी, जी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं, और हम उर्वशी का भी बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये सारे आसन करके दिखाए। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।